Hey guys, I'm Varun, certified nutritionist and supplement specialist. गाइस तो लास्ट कुछ टाइम से मैं यूज कर रहा था गेट माय मेटल का अल्फा वे प्रोटीन, और इसका आप लोगों ने मुझसे रिव्यू बोला था तो मैंने बनाया भी था एंड कई सारी वीडियोस मैंने इसकी किए। तो आज क्लियर कट हम एक वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम गेट माय मेटल अल्फा वे के साथ नेचुरल टीन वे कॉन्सेंट्रेट को कंपेयर करने वाले हैं। हालांकि नेचुरल टीन का जो प्रोटीन है ये ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो चुका है, एक सिंगल स्कूप इसमें बाकी है। ये मुझे, मैं पर्सनली, आप लोग जैसे अगर जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि मैं लास्ट 6 महीने से नेचुरल टीन यूज कर रहा हूँ और अल्फा वे मैंने लगभग 3 महीने का यूज किया है। तो दोनों में से मुझे सबसे ज्यादा इंक्वायरी आती है इसकी, अल्फा वे के बारे में आप लोग बहुत सारी क्वेश्चन करते हैं एंड नेचुरल टीन का भी रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहता है। तो आज हम इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। सबसे पहली चीज हम रखेंगे इनमें कि इनके इंग्रेडिएंट लेवल के बारे में, सेकंड इनके प्रोटीन परसेंटेज के बारे में, थर्ड हम बात करेंगे इनके टेस्ट एंड मिक्सेबिलिटी के बारे में, फोर्थ इनके प्राइस रेंज के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे लैब रिपोर्ट के बारे में इनके, कि ये दोनों की लैब रिपोर्ट क्या कहती है। ठीक है, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं अल्फा वे की। अल्फा वे के जैसे ही हम इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे इंग्रेडिएंट देखने मिलते हैं। हालांकि एक वे प्रोटीन ब्लेंड क्लेम किया जाता है जिसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, मिल्क सॉलिड्स, वे पाउडर का यूज किया गया है, सोया फाइबर दिया हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह लिखे हुए हैं, थिकनर 415, एमल्सीफायर 322, स्वीटनर 955 एंड स्वीटनर 950। इतना सारा इसमें चीजें यूज की गई हैं। वहीं अगर हम नेचुरल टीन के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल टीन क्लेम करते हैं कि हम कोई भी आर्टिफिशियल या कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। इसलिए इनके जैसे ही हम इंग्रेडिएंट लिस्ट पे जाते हैं तो डायरेक्ट हमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट देखने मिलता है, नेचुरल फ्लेवर्स, कोई भी अलग से आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं किया है, कोकोनट मिल्क पाउडर, क्योंकि ये कोकोनट फ्लेवर है दैट्स व्हाई इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर यूज किया जाता है फ्लेवर देने के लिए। उसके अलावा इसमें सनफ्लावर लेसेथिन और स्टीविया, इसको स्वीट करने के लिए दिया जाता है, और बस दैट्स इट, इतना ही इसका इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि नेचुरल टीन अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट के लिए ही जाना जाता है, ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। सेकंड बात करते हैं प्रोटीन परसेंटेज के। हालांकि अल्फा वे का प्रोटीन परसेंटेज थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें इन्होंने प्रोटीन क्लेम किया है 100 ग्राम की इनकी सर्विंग साइज है, एक तरीके से गेनर है, तो 100 ग्राम की सर्विंग साइज में आपको मिलने वाला है 35 ग्राम्स। ओके, एंड इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे ही बात करेंगे। एंड नेचुरल टीन में मिलता है आपको इसका स्कूप है 30 ग्राम का, बस उसमें आपको मिलेगा 22 ग्राम प्रोटीन, 20 और तो अराउंड इसमें आपको नेचुरल टीन आपको देता है 74% प्रोटीन परसेंटेज और अल्फा देता है 35% बस, दैट्स इट। अभी इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट इनके टेस्ट मिक्सेबिलिटी की। तो टेस्ट में ऑब्वियसली विनर होता है अल्फा वे, इसका भी एक रीजन है, और नेचुरल टीन विनर नहीं होता है क्योंकि थोड़ा सा पीछे होता है, क्योंकि इन्होंने कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह यूज नहीं किया है अपने प्रोटीन में, जितना ज्यादा हो सका है इन्होंने नेचुरल रखने की कोशिश की है। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सेबिलिटी, दोनों की सुपीरियर है, बहुत अच्छी मिक्सेबिलिटी है, खाली 20-30 सेकेंड्स में आपको एक लम फ्री शेक मिलकर तैयार हो जाता है। ठीक है, स्कूप की बात करते हैं तो इसका स्कूप है 100 ग्राम का, इसका स्कूप है खाली 30 ग्राम्स का। By the way, अब लैब रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। तो लैब रिपोर्ट मैं एज ए ट्रस्टिफाइड की आप सभी को बताना चाहूंगा, जो ट्रस्टिफाइड ने क्लेम किया था नेचुरल टीन के लिए, इन्होंने इसका प्रोटीन परसेंटेज, अमीनो एसिड प्रोफाइल और हैवी मेटल एंड मेलामाइन टेस्टिंग में ये प्रोटीन पूरी तरीके से पास हो गया था, और साइड में ट्रस्टिफाइड का लोगो भी आ गया है नेचुरल टीन में। बट वही बात करते हैं अगर अल्फा वे की, तो ये पहली लेवल टेस्टिंग जो कि प्रोटीन परसेंटेज थी उसमें ये फेल हो गया था गाइस। तो इसमें जो 35% लिखा है वो 25 ग्राम निकला था एंड 0 शुगर की जगह 6 ग्राम अराउंड 1 टेबल स्पून शुगर निकल गई थी। हालांकि उसके बाद इन्होंने अपना जो माल था वो मार्केट से उठा लिया है वापस एंड ये वादा किया है कि हम उसको ठीक करके वापस भेजेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा विनर होता है नेचुरल टीन वे कॉन्सेंट्रेट कट टू कट। और मैं आप सभी को इसके डिस्काउंट के बारे में भी बता देता हूँ कि नीचे दी हुई आप डिस्काउंट कोड भी मैंने दे दिया है। तो अगर आप नेचुरल टीन का कोई भी प्रोडक्ट, आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट, अनफ्लेवर्ड, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के लिए भी वहां प्रोटीन आपको मिल जाएगा जो कि बहुत कम रेट में मिल जाएगा, तो आप लोग कोड यूज कीजिएगा वरुण, VARUN, ये लगाने पे आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
अब कई लोग भाई लोग बोलेंगे कि ये प्रमोशनल वीडियो थी गाइस, प्रमोशनल मैं नहीं करता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास दो प्रोटीन ऐसे रखे हैं जो लैब टेस्ट में फेल हो चुके हैं, बट मैं जैसे ही उनकी वीडियो डालता हूँ तो कुछ ना कुछ करके वो मेरी वीडियो हटवा देते हैं। तो इस चीज के लिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है गाइस, तो प्लीज इस चीज पे सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं ये वीडियो डाल सकूं। मैं डालने के लिए और आप सभी को बताने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं कि कौन सा प्रोटीन गलत है, बट आप ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा चैनल कैसे चलेगा। ये वीडियो लास्ट टाइम एग्जांपल आप लोग देख चुके हैं कि मेरी एक वीडियो हटा दी थी एक ब्रांड ने। तो मेरा अभी फिलहाल में ट्रस्ट है नेचुरल टीम की तरफ से, तो डिस्काउंट के लिए मेरा कोड वरुण यूज करो और एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट लो। बाय द वे इनका प्री वर्कआउट भी बहुत शानदार है गाइस, अगर आपने प्री वर्कआउट की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो के एंड में क्लिक हो जाएगी तो आप लोग प्योर 7 प्री वर्कआउट की वीडियो देखी। और अगर आप लोग मेरे ट्रैवल व्लॉग्स को थोड़ा सा भी प्यार देना चाहते हैं तो इस साइड आपको मेरे ट्रैवल व्लॉग्स भी देखने मिल जाएंगे। तो रिसेंटली मैं हनुवंतिया टापू गया था, उसका व्लॉग आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाय द वे थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।